अभी फिलहाल अक्षय कुमार सर की बात करूँ तो लुक मुझे उनका इस साल में ना सबसे बेस्ट लुक उनका ये लगा। ना बच्चन पांडे का लुक मुझे इतना इतना कुछ खास पसंद आया था, ना सम्राट पृथ्वीराज का, तो वो उनका परफॉर्मेंस मुझे जबरदस्त लग रहा है। उनका पूरा फोकस राम सेतु के ऊपर ही लग रहा है, और जैसे वो एंड में डायलॉग बोलते हैं ना, दुनिया में राम के बहुत सारे मंदिर है लेकिन सेतु सिर्फ एक, वो बहुत ही भारी डायलॉग। एंड वो बीजीएम जो पीछे बजता है ना, राम राम राम, वो जो गूज़बम्स देगा ना पब्लिक को, पब्लिक बोलते ना पागल हो जाएगी, जय श्री राम के नारे लगाएगी। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवी राम सेतु जो कि ट्रेलर रिलीज हो गई दोस्तों, कल ही रिलीज हुई थी दोस्तों, लेकिन हमारी एक्सपर्ट बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी अवेलेबल नहीं थी, उनके पास टाइम नहीं था, तो फाइनली जाके आज वो आई हैं इस पर रिव्यू करने। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम सेतु ट्रेलर जो कि कल रिलीज हुई, आप अवेलेबल नहीं थी तो इसका रिव्यू नहीं कर पाए फर्स्ट डे। चलिए सेकेंड डे रिव्यू करते हैं। और अक्षय कुमार स्टारर, कैसी लगी आपको ट्रेलर? और एक सवाल और रहेगा, क्या लगता है आपको कि इस बार दिवाली में होगी धमाका? गेटी में रहेगा वीरा किंग्स के साथ धमाल, ये आपसे जानने की हम कोशिश। तो फाइनली कल राम सेतु का ट्रेलर आया। जब टीजर आया था मैंने तभी कहा था कि ये कुछ अलग लग रहा है जो पहले हमने कभी देखा नहीं था। एक बोले ना, बॉलीवुड ने नया मतलब एक नई कोशिश की है एंड यहाँ मुझे दिख रही है। मतलब पूरा ऐसा उन्होंने बनाया है ना ट्रेलर को, बहुत मतलब बोलते ना कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखाया भी नहीं और कुछ बताया भी नहीं है, पूरा सस्पेंस रखा है। लेकिन इतना तो प्रेडिक्शन हो गया कि कुछ लोग राम सेतु को तोड़ना चाहते हैं एंड आर्कियोलॉजी को लेकर, मतलब उनको बोलते हैं कि आपको बचाना है जाके, इतना तो प्रेडिक्शन हो गया है। लेकिन वो कैसे वहाँ पहुँचते हैं, कैसे बचाते हैं, उनके बीच में क्या क्या अड़चने आती है, वो बचाते हैं या नहीं, पूरा एक एपिक एडवेंचर हमें होने वाला है वहाँ पे। एक ज़बरदस्त, मैं बोलूँ ना ये दिवाली राम सेतु के नाम हो सकती है अगर इसका कंटेंट बोलते ना, अगर उन्हें अच्छे से प्रेजेंट किया ना स्टोरी लाइन को, अगर वैसे ही स्मूथ जाने दिया तो, अगर इसमें आलतू फालतू गाने डाल दिए वो सीन में, मतलब सपोज इंटरेस्ट आ गया वापस में बीच में गाना आ गया ना, तो लोगों का मजा किरकिरा हो जाएगा कठपुतली के जैसा। बिकॉज वो स्टोरी अच्छी थी, अगर उसमें गाने नहीं देते ना तो अच्छी चलती थी। हालांकि वो लोगों को पसंद आई है, लेकिन क्यों पसंद है? बिकॉज उन्होंने ओरिजिनल नहीं देखी है, इसके लिए उनको पसंद आई है। लेकिन अगर उसमें गाने नहीं डालते ना तो मैं बोलूँ और अच्छी हो सकती थी। तो चलो वो कठपुतली को जाने, लेकिन यहाँ पे बोलो जैकलीन मैम है, नुसरत मैम का एक छोटा सा सीन दिया है अभी फिलहाल, छोटी सी झलक बताई है, लेकिन बोलते ना मुझे नहीं लगता कि मूवी में उनका ज़्यादा रोल होगा, क्योंकि राम सेतु को बचाने के लिए अक्षय कुमार सर निकल पड़ेंगे जैकलीन मैम के साथ। तो वो तो है ही श्रीलंका की, तो उनको लेके घूमे, बोले साथ साथ उसको वापस उसके गांव घुमा के लाओ श्रीलंका में, तो वैसे उनको लेके चले गए। बस उनको वापस छोड़ के मत आ जाना, वापस लेके आना उनको साथ में, क्योंकि वो एंड में सीन है पत्थर को लेके चल रहे, जैकलीन मैम तो दिख नहीं रही है, पता चला उनको घर पे छोड़ के आ गए वो। चौक सफर। अभी फिलहाल अक्षय कुमार सर की बात करूँ तो लुक मुझे उनका इस साल में ना सबसे बेस्ट लुक उनका ये लगा। ना बच्चन पांडे का लुक मुझे इतना इतना कुछ खास पसंद आया था, ना सम्राट पृथ्वीराज का, ना ही कठपुतली में मुझे उनका, मतलब बोलते ना जो हॉलीडे एंड सूर्यवंशी में जो लुक था ना वो बेटर था कठपुतली से, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ ना ज़बरदस्त लग रहा है उनका लुक। मतलब बोलते ना एक्चुअल वो बियर्ड है उनके, उनका अगर देखा जाए तो एक्चुअल बियर्ड है वो, तो मैं बोली कि नहीं लुक हो तो ऐसा हो एंड परफेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट लग रहे हैं वो, बोल सकती हूँ मैं ये। सत्यदेव सर भी है इसमें, नज़ार भी हैं, के दो दो लेजेंड है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका नाम हो गया बस, काफ़ी है। अभी रिसेंटली गॉडफादर में उनको देख लिया है हमने सत्यदेव को, तो पता है कि वो एक्टर बहुत भारी है। तमिल तेलुगु में आ रही है लेकिन पता नहीं लोग उनको देखेंगे कि नहीं, बिकॉज सम्राट पृथ्वीराज भी तमिल तेलुगु में आई थी बट किसी ने वो मूवी नहीं देखी थी वहाँ पे, एंड बहुत बोलते ना बहुत मतलब बोलते उन्होंने बहुत बुराई भी की थी कुछ कुछ लोगों ने, लेकिन वो नहीं करते तो अच्छा होता। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स की भी गलती थी कि उन्होंने जो एक्चुअल सीन्स थे वो नहीं दिखाए थे। नो डाउट अक्षय कुमार सर ने अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, उन्होंने दिया अपना बेस्ट, लेकिन मेकर्स ने ना बहुत सी गलतियाँ कर दी एंड जो एक्चुअल जो स्टोरी थी ना वो उसमें नहीं बताई गई थी। लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ कि ये ना अच्छे से मतलब बोले स्टोरी लाइन वैसी ही चले एंड कहीं भी बोले ना कहीं भी ऐसा सीन ना हो कि पब्लिक को बोले इरिटेट या बोर हो जाए, बस ऐसी गलती ना हो यहाँ पे। हो सकता है दो सॉस के स्टार है इस के वजह से उन्होंने डिसीजन लिया, अचानक से डिसीजन हो सकता है, बिकॉज सत्यदेव सर है एंड जो दूसरे एक्टर है उनको तो बोलते ना लेजेंडरी स्टार्स है यार, वो तो उनको तो लोग पसंद करते हैं। रावड़ी राठौड़ के बाप जी, हाँ वो तो बाप जी, और वापस हमें देखने मिल रही है कोई ये जोड़ी फिर से हमें देखने मिल रही है, लेकिन वहाँ पे विलेन के अवतार में देखा था, अब यहाँ पता नहीं क्या अवतार में है वो, बिकॉज उनका पॉजिटिव या नेगेटिव वो कुछ समझ में नहीं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन जो भी हो, हाँ इसमें एक सीन है कि वो रोबोटिक आउटफिट से वो नीचे उतरे हैं, वो मैं बोलूँ ना वो मोबाइल में इतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन शायद बड़े स्क्रीन पे हम देखेंगे ना
तो डेफिनेटली सबको पसंद आएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बहुत फनी भी लग रहा है एंड ऐसा भी लग रहा है कि आउटफिट थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन देखते हैं कि बड़े सीन पे जब आए तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या है, किस तरीके से बनाया है, बस वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था। बट चलो वो जाने दो, फिलहाल अक्षय कुमार सर की बात करें तो वो उनका परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लग रहा है, उनका पूरा फोकस राम सेतु के ऊपर ही लग रहा है। और जैसे वो एंड में डायलॉग बोलते हैं ना, दुनिया में राम के बहुत सारे मंदिर है लेकिन सेतु सिर्फ एक, वो बहुत ही भारी डायलॉग, एंड वो BGM जो पीछे बजता है ना, राम राम राम, वो जो गूज़बम्स देगा ना पब्लिक को, पब्लिक बोलते ना पागल हो जाएगी, जय श्री राम के नारे लगाएगी वो, देखना ऐसा हाल हो जाएगा थिएटर में। मतलब अक्षय कुमार बैक करने वाले इस बार लगता है, मुझे लगता है अक्षय कुमार सर इस बार दिवाली बोलते ना, पीछे एक मुसीबत भी है ना। क्या मुसीबत? अरे दो-दो क्लैश हो रही है मुझे। वो क्लैश हो रही है लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, क्लैश तो उनके साथ हर मूवी की होती है। पिछले बार उनकी रक्षाबंधन के साथ लाल सिंह चड्ढा आई थी लेकिन क्या हो गया, सबको पता है क्या हाल हुआ दोनों में इसका। रक्षाबंधन मूवी अच्छी थी लेकिन लोगों ने उसको डिजास्टर बना दिया, हालांकि वो डिजास्टर नहीं है, वो लोगों ने जाके देखी नहीं इसके लिए प्रॉब्लम हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ ना, भले थैंक गॉड आ रही है, वो अपनी जगह पे कॉमेडी एंटरटेनमेंट होगा, हर हर महादेव आ रही, वो हमारी हिस्ट्री है, पहली मराठी पैन इंडियन मूवी, तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन हम कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों ही अगर देखा जाए ना तो एक ये हमारे श्री राम के ऊपर मूवी है, दूसरी हमारी हिस्ट्री है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ लोगों में ये भी बोलना चाहिए कि कार्तिकेय 2 के साथ आपने बहुत कंपेयर किया है, प्लीज़ इसको कंपेयर मत करो। कार्तिकेय 2 और राम सेतु की शूटिंग डेट्स अलग थी, लोकेशंस अलग थे, उनका पूरा बोलते ना कास्टिंग अलग, स्टोरी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो प्लीज़ उसमें प्लीज़ कंपेरिजन मत करो। वो अपनी जगह पे थी, ये अपनी जगह पे, बॉलीवुड एक अच्छी कोशिश कर रही है, ब्रह्मास्त्र में भी आयन मुखर्जी ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन बोलते ना उन्होंने लव स्टोरी पे फोकस करके सेकेंड हाफ में थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, बाकी वो मूवी है अच्छी। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही बोलूँगी, ये मूवी अगर श्रीराम के ऊपर है, वो फोकस है, वो अटेंशन है, वो गोल है, तो बस उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए मैं बोलूँ, और कुछ इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड में अगर इस ट्रेलर को रेटिंग देना हो तो 5/5 देना दोगे? ट्रेलर को मैं दूंगी 4.5/5। इसमें हाँ, इसमें विजुअल्स एंड सिनेमाटोग्राफी के बारे में बोलूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे है, इसमें दिखाई है कुछ कुछ जगह पे क्लियर विजुअल्स है, कुछ कुछ जगह पे थोड़े ब्लर है, तो वो अभी कुछ पसंद मतलब ऐसा नहीं पसंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बोलूँगी, बट वो बोलते हैं ना मोबाइल में और बड़े स्क्रीन में ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है देखने के लिए, तो हम इसको ना अभी वेट करके 25 अक्टूबर को, एंड इस बार तो दिवाली के दिन है तो मुझे पता है कि हमारे वीर अकेंस जो है वो ज़बरदस्त धमाका करेंगे वहाँ पर आके, तो हम ज़रूर जुड़ेंगे उनके साथ इस माहौल में। एंड दूसरी बात मैं बोलूँ कि इस मूवी को ऑडियंस को मैं बोलूँ कि प्लीज़ इस मूवी को एक चांस दो। आई नो अक्षय कुमार सर ने इस साल हमें बहुत निराश किया है, सबको बोलते हैं ना सबको अपसेट किया है, लेकिन ये अपसेट नहीं करेगी, मुझे दिल से इससे उम्मीद हो गई कि नहीं ये दिवाली राम सेतु के नाम हो सकती है। बाकी के दो मूवीज़ हैं हम उसको भी देखेंगे लेकिन इसको भी हम देखेंगे, इतना बोलूँगी। एंड अक्षय कुमार सर ने बोले कि विश यू ऑल द बेस्ट, अगर ये स्टोरी चल गई, ये मूवी चल गई ना आपकी, तो बस फिर कुछ नहीं, फिर बस आप बोल देना आपके नारे लग जाएंगे फिर थिएटर के बाहर। हाँ फिर हम बोल सकते गारंटी कुमार इज बैक, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ उनका टाइम बीच में ख़राब था लेकिन दिवाली पे बोलते ना धमाका होगा, हर बार वो हाउसफुल एंड धमाल एंड ऐसी मूवीज आती है, तो फिर इस बार कुछ अलग यूनिक कॉन्टेंट एंड श्री राम के ऊपर है तो ज़बरदस्त होगी, इतना मुझे लग रहा है। बस जो भी हो, इसका BGM भी काफ़ी ज़बरदस्त है, अजय अतुल का म्यूज़िक है इसमें, अभिषेक शर्मा जो परमानु एंड शॉकिंग्स के डायरेक्टर है उन्होंने इस मूवी को बनाया है, तो हम उन पर भी भरोसा कर सकते हैं। बस अक्षय कुमार सर को मैं दिल से ऑल द बेस्ट बोलती हूँ एंड वेट करते 25 अक्टूबर को। सो ऑडियंस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो आपको कितना पसंद आया, आपको इसमें अक्षय कुमार सर का लुक कितना पसंद है, हालांकि उनका लुक कुछ अलग ही हमें देखने मिला है इस बार, एंड बोलते ना एक परफेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट तो मुझे लग रहे हैं लेकिन आपको लग रहे हैं कि नहीं, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड प्लीज़ उनको उनकी पिछले मूवी के साथ कंपेरिजन मत करो, उनका अभी सिर्फ जो राम सेतु के ऊपर है ना उसके बारे में आप अभी अपने थाट्स बताओ, दैट्स इट। एंड मेरा वाला वीडियो, मेरा वाला कंटेंट पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटिनी।